नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम हला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। हला बोल जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हला बोल। तो हला बोल में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आष्टा की। जी, मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है। शिक्षा विभाग भी सरकारी स्कूलों के भवनों को बनवाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है लेकिन सीहोर जिले की आष्टा तहसील के गुराड़िया कला गांव के प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय के जर्जर भवन को देखकर सरकार व शिक्षा विभाग के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो चला है और यही वजह है कि बच्चों की संख्या भी महज 19 के आंकड़े पर सिमट कर रह गई है। शिक्षक भी आए दिन नदारद रहते हैं और तो और स्कूल की हालत देख अस्थायी तौर पर स्कूल आंगनबाड़ी में लगाया जा रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? पांचवी। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम गुराड़िया कला। अच्छा, तो हम तो देख रहे हैं कि आज आप आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं। गिजक क्या कारण है? स्कूल टूट गई है तो इतनी 3 दिन से यहाँ पढ़ा रहे थे सर और सर बीमार हो। क्या नाम है बेटा आपका? शिवम। शिवम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? तीसरी। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं आप आंगनवाड़ी में बैठे हो, आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं, क्या कारण है? यहाँ से स्कूल टूट जाए। स्कूल टूट जाएगा? हाँ जी, एक डर थे यहाँ के एक बिता जो उसके डर से आप यहाँ बैठते हैं। वहाँ पर जो है भवन जो क्षतिग्रस्त है उसके लिए बीआरसी के द्वारा सब लिखा पढ़ी कर दी गई है और बच्चों की अभी वर्तमान में व्यवस्था आंगनबाड़ी। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर? 19 बच्चे। हाँ, आंगनबाड़ी में ही बैठते हैं, आंगनबाड़ी में ही बैठ रहे हैं। अभी जानकारी मिल रही है कि वहाँ पे शिक्षक भी नहीं है, 3 दिनों से लापता है। हाँ, उसकी जानकारी मिली है। कल तो उसने रिपोर्टिंग की थी बीमारी की, सब स्वास्थ्य खराब होने की, आज अभी जन शिक्षक को। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए भले ही कमलनाथ सरकार कितनी भी गंभीर हो, भले ही भवनों का निर्माण करवाया जा रहा हो, शिक्षकों की भर्ती के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हो, लेकिन जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री की मंशा पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी सत्यनारायण। सत्यनारायण, सीहोर जिले के आष्टा तहसील के गुराड़िया कला गांव की आज हम बात करें जहां का प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय जर्जर हालत में आ चुका है और आज स्थिति ऐसी है कि बच्चे स्कूल छोड़कर आंगनबाड़ी में बैठने को मजबूर है लेकिन वहां भी शिक्षक नहीं है जो उन्हें पढ़ा सके। यहाँ पर क्या तीन महीने से स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित हो रहा है और 3 महीने से भवन के मतलब शिक्षा विभाग के आला अधिकारी को यह पता नहीं है कि यहाँ पे भवन में आंगनबाड़ी में चल रहा है, 19 बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हैं। लेकिन कम से कम जब वहाँ गाँव की महिला SDM के यहाँ ज्ञापन देना आई और हम लोगों ने वहाँ जब 0 ग्राउंड का पूरा देखा तब वहाँ की वास्तविकता पता चली कि सही में बच्चे उसे बैठे और भवन पूरा कंडम है। लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी खाना पूर्ति करते हुए इन लोगों को वहाँ के शिक्षक को एक नोटिस जारी किया जो 3 दिन से बगैर बताए लापता था। लेकिन ये सारे लोग पहले भी तो ये सब चीज कर सकते थे। वहाँ के 2 दर्जन से अधिक महिलाएं जब SDM के पास यहाँ पे प्रभारी तहसीलदार जी के पास आई तब जाके यहाँ पे वो इनने व्यवस्था जोड़ी, लेकिन पहले भी कर सकते थे सारी, लेकिन नहीं, इन लोगों ने इन चीजों को नजरअंदाज किया कहीं ना कहीं। सत्यनारायण, इस स्कूल को बने हुए कितना समय हो गया? इस भवन को बने हुए करीब ये बिल्डिंग 10 से 15 साल पुरानी बताई जा रही है। और ये कहा जाता है कि अगर बिल्डिंग का ज्यादा पुरानी हो जाती है, यानी कि अगर उस 10 साल से ज्यादा का समय उस भवन को निकला हुआ हो जाता है, यानी कि बने हुए हो जाता है, तो उसके बाद में अगर कहीं पर किसी तरह की कोई उसमें परेशानी आती है या फिर वो कहीं से टूटती है या छज्जा गिरता है तो उसका रेनोवेशन का कार्य होता है जिसके लिए विभाग से पैसा भी आवंटित करवाया जाता है। तो क्या कभी ऐसी स्थिति यहाँ पर आई थी? जी, यहाँ पर कि आवंटन तो हुआ हो लेकिन रेनोवेशन का काम यहाँ पर नहीं हुआ हो। जी जी,
इन्होंने यहाँ पे वो भवन के जो दरारे पड़ना और एक बच्चे के ऊपर से खिड़की भी बताया टूट के गिर गई थी, उसका हाथ भी बताया लग चोट भी आई थी पिछले छह महीने पांच महीने पहले, लेकिन इन लोगों ने वहाँ पे उस समय कोई जो वर्तमान जो शिक्षक में मौजूद थे उन लोगों ने भी सारी चीज देखी होगी। उसके बाद इन्होंने क्या है कि तीन चार महीने से आंगनबाड़ी में स्कूल शिफ्ट करके संचालित करना शुरू कर दिया। वो स्कूल में ये स्थिति है कि सिर्फ बच्चे बैठे हैं स्कूल, तीन दिन से वो टीचर तीन दिन से लापता है। सत्यनारायण, क्या यहाँ पर बच्चों की संख्या कितनी है, पहले कितनी थी और अब कितनी हो चुकी है? जी इसमें मतलब सरकार क्या वहाँ पे खाना बराबर दे रही है, वो कपड़ा दे रही है, लेकिन किताबें दे रही है, लेकिन शिक्षा के नाम पे सब जीरो बैठे हुए हैं। अब वो गांव के इतने लोग बाहर आए, जब जाके सारी चीजें सामने आ पाई नहीं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका भविष्य बच्चों का अंधकार में ही बना रहता है। बच्चों की संख्या यहाँ पर अभी कितनी है, कितने बच्चे से स्कूल में आ रहे हैं? जी 19। और इससे पहले बच्चों की संख्या कितनी थी? जी इससे पहले बच्चों की संख्या कितनी थी? नहीं 19 बच्चों की संख्या है और इसके पहले संख्या वहाँ कहीं अधिक थी। और बच्चे क्या धीरे धीरे करके अब स्कूल की कठिन स्थिति और दयनीय स्थिति बनते, कई जो सक्षम माँ बाप थे उन्होंने फिर प्राइवेट में कुछ बच्चों को अपने शिफ्ट किया वहाँ पे और मजबूर होकर पढ़ाने, लेकिन कुछ ज्यादा ही गरीब माँ बाप है वो लोग असक्षम थे, इस वजह से 19 बच्चे जो ठहर गए वो ज्यादा ही अत्यंत जो गरीब बच्चे है वही उसको ठहर पाए और बाकी बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाने को मजबूर हुए इस बीच में वहाँ पे। सत्यनारायण, ये बिल्डिंग इतनी पुरानी और इसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है, तो क्या कभी किसी जिम्मेदार ने इसके बारे में शिकायत नहीं की थी, इस पर संज्ञान नहीं लिया गया था? यहाँ पे इन्होंने बताया शिक्षा विभाग से पत्र भी लिखा था, लेकिन पत्र कहीं ना कहीं क्या है कि देखा अनदेखा किया गया उच्च अधिकारी द्वारा भी, क्योंकि वो पत्र बताया दो महीने पहले इन्होंने लिखा था कि भवन पूरा कंडम हो चुका है और बच्चों को मजबूरन हमें आंगनबाड़ी के उसमें पढ़ाना पड़ रहा है। क्या किसी भी सरपंच ने, विधायक ने या फिर कलेक्टर ने या फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को इस बारे में कोई जानकारी कभी नहीं दी गई थी? कभी कोई ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इस स्कूल में निरीक्षण के लिए भी नहीं पहुंचे? मौजूदा हालत देखते हुए तो कहीं ना कहीं किसी ने भी उसमें ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा इस स्कूल में और क्या अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी? उसमें मेन अव्यवस्था तो यही थी कि पूरा भवन था वो पीछे से भी टूट चुका था, पूरा कंडम हो चुका था, वो ताले लगे तो उसमें ऐसा लग रहा था कि कई साल भर से ताले लगा, उस हालत देखकर ऐसा लग रहा था। और शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी है कहीं ना कहीं वो लगते हैं कि अपनी चेयर छोड़ना पसंद ही नहीं कर रहे होंगे, नहीं तो क्या समय समय पर भी अगर इनके दौरे ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में अगर होना चालू हो तो कहीं ना कहीं सुधार तो हो, ऐसा तो नहीं कि सुधार नहीं होगा। तो ये लोग क्या है कि अब बैठे बैठे सारी चीज कागजी कार्रवाई या फॉर्मेलिटी पूरी करके अपना पल्ला झाड़ते नजर आए इस बीच में। सत्यनारायण, ये कहा जा रहा है कि कई बार इस भवन को लेकर पत्र लिखा गया है, जानकारी दी गई है, तो क्या उन पत्रों को देने के बाद में, संज्ञान में लाने के बाद भी कभी भी कोई भी अधिकारी यहाँ पर आया था निरीक्षण करने? वहाँ पे कोई अधिकारी पहुंचा ही नहीं बता रहे, वहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं गया। और जब मामला हाईलाइट हुआ और वहाँ के दो दर्जन से अधिक महिलाएं यहाँ पे तहसीलदार आस्था के पास पहुंचे, तब जाके कई और जब मीडिया में मामला आया उन्होंने उसके बाद आपको रोकूंगी। तहसीलदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि वर्मा, उनसे बात करते हैं। रवि वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। रवि जी, सीहोर जिले के आष्टा तहसील की गुराड़िया कला ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, गाँव की बात कर रहे हैं, जहाँ पर प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय जो है वो अब जर्जर हालत में आ चुका है। स्थिति यहाँ ये है कि बच्चों को आंगनबाड़ी में बैठाया जा रहा है, लेकिन वहाँ भी शिक्षक नहीं है। ये मामला आपके संज्ञान में था? मैडम, कुछ लोगों ने शिकायत की थी तहसील कार्यालय में, उसके बाद ये पता चला था, तो इसके बाद इस भवन को शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ पर एक कम्युनिटी का भवन है पंचायत में, उसमें अब नवीन क्लासेस लग रही है। कितने समय पहले यहाँ पर सर संज्ञान में मामला आया था? ये 3-4 दिवस पहले शिकायत की गई थी, उसी दिन इसको शिफ्ट कर दिया गया था। और ये भवन कहाँ शिफ्ट किया गया है सर? वही ग्राम में। ग्राम में क्या ये भवन आंगनबाड़ी में शिफ्ट किया गया है? नहीं नहीं, आंगनबाड़ी में से नहीं शिफ्ट किया गया है, आंगनबाड़ी से शिफ्ट कर दिया गया है। पहले से आंगनबाड़ी में लगा दिया था और फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने उसको नवीन भवन में शिफ्ट कर दिया है, जो पंचायत का ही है। जी रवि जी, यहाँ पर शिक्षक भी नहीं है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी आपको मिली थी कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं आया मैडम संज्ञान में ये।
चलिए और जानकारी आपको हम देते हैं, कृपया हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। हमारे सहयोगी जुड़े हुए सत्यनारायण, सत्यनारायण रवि वर्मा तहसीलदार हमारे साथ जुड़े हैं। उनका कहना है कि अब भवन को आंगनबाड़ी से भी शिफ्ट कर दिया गया है नवीन भवन में, जरा जो ताजा जानकारी आपके पास है जरा हमें बताएं। जी वहाँ पे एक नवीन भवन में किया गया, तहसीलदार साहब अभी आस्था में नए आए हुए हैं और अभी अभी इनके सही बोल रहे हैं वैसे कि उनके संज्ञान में अभी मामला आया है और उन्होंने फिर तत्काल यहाँ के जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह जी ठाकुर उनको उन्होंने तत्काल सूचना देके वहाँ पे व्यवस्था करवाने के निर्देश भी दिए थे इस बीच में तहसीलदार साहब ने। शिक्षकों की स्थिति जरा बताई जाए यहाँ पर। शिक्षक तो 3 दिन से वहाँ लापता था, 3 दिन से शिक्षक से कहीं पता नहीं था कहाँ गए हैं वो, और सब गोलमाल ना जन शिक्षक प्रभारी और ये सब गोलमाल जवाब देते नजर आए, कोई तथ्य के आधार पर जवाब दे नहीं पाया जब इन लोगों से पूछा गया वहाँ पे तो कि शिक्षक क्यों नहीं है। ठीक रवि जी, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लाख कोशिशें कर रही है, इस तरह के अगर भवन है तो उनको दोबारा बनवाने के लिए या फिर नए भवन बनवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बजट यहाँ पर शिक्षा के लिए अलग से दिया जा रहा है, बावजूद इसके यहाँ पर स्तर इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात करनी चाहिए होती है तो वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते, तो आखिर ऐसे में कैसे मध्य प्रदेश शिक्षित बनेगा? मैडम इसका प्रस्ताव भी भेज दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से नवंबर माह में, अब भविष्य में जब भी आवंटन उपलब्ध होगा भवन निर्माण किया जाएगा। लेकिन तब तक स्थितियां क्या रहेंगी, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो पहले यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे, कई बार ऐसा होता है कि कई परिवार ऐसे हैं जो सक्षम नहीं होते हैं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को वो भेज सके, लेकिन वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इन सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। अगर वहां स्थितियां इस तरह की होंगी तो फिर क्या किया जाएगा? आपने ये कहा है कि जब भवन आवंटित होगा और निर्माण शुरू होगा तब आगे की चीजें की जाएंगी, लेकिन तब तक क्या होगा? अभी मैम टेम्परेरी रूप से हम लोगों ने व्यवस्था करवा दी है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने और वहाँ पर क्लासेस रेगुलर लग रही है, शिक्षा का नुकसान नहीं हो रहा है बच्चों का। लेकिन आखिर कमी कहाँ है, क्योंकि शिक्षक तो आ ही नहीं रहे हैं सर, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। ठीक है मैडम, अभी आपके माध्यम से संज्ञान में आया इसे दिखवाते हैं हम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि वर्मा जी, हमारे साथ जुड़े थे तहसीलदार। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वो इस मामले पर संज्ञान जरूर लेंगे और जो शिक्षकों की कमी है उस मुद्दे पर भी वो कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सत्यनारायण एक बार सवाल वही खड़ा होता है कि जब सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है तो फिर वक्त पर और समय पर चीजें क्यों नहीं की जाती है, क्यों इन चीजों को नजरअंदाज किया जाता है, क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जाता है? हालात देखकर यही लग रहा है कि कहीं ये बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे थे और कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य के अंधकार में डाल ही रहता है इस बीच में। अगर मामला वहाँ की महिला अगर गांव से निकल के बाहर नहीं आती तो हो सकता कि ये संज्ञान में नहीं आता, उसके बाद ही ये मामला पूरा संज्ञान में आया है और जब जाके इन्होंने थोड़ी वहाँ व्यवस्था की और तत्काल पहुंचकर एक भवन को पुतवा के इन्होंने मतलब बोले तो महज फॉर्मेलिटी पूरी की गई है और वहाँ पे वो किया गया, मतलब तब के दो दो जन शिक्षक एक क्षेत्र में, एक जन शिक्षक प्रभारी ब्लॉक बीआरसीसी और बाकी ब्लॉक लेवल के इतने जो शिक्षक बैठे रहते जिनका यही काम है मॉनिटरिंग करना, लेकिन कहीं ना कहीं जिला और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो जिला शिक्षा अधिकारी इन लोगों को भी कई महीने में एक आध बार तो ब्लॉक लेवल या इसका निरीक्षण करते रहना चाहिए, लेकिन ये लोग सिर्फ ऑफिस छोड़ना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं इस वजह से भी ये प्रॉब्लम खड़ी होती है और ये बराबर अगर निरीक्षण करते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनती। मतलब वहाँ जब देखा उन बच्चों के दर तो मतलब वास्तविक एक दयनीय स्थिति बनी हुई थी बच्चों के साथ में। बच्चों को यहाँ पर मध्याह्न भोजन दिया जा रहा था या फिर उसमें भी कमी थी? नहीं नहीं वो तो बराबर दिया जा रहा था, वहाँ मध्याह्न भोजन भी दिया और बाकी क्या है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो उन लोगों बच्चों को बैठा रखी थी अपने पास में, लेकिन एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसके बच्चों को पढ़ाएगी या इनके बच्चों को पढ़ाएगी, ये बड़ा सवाल था। शिक्षकों को लेकर क्या क्या चीजें यहाँ पर सामने आई थी, क्या इन्होंने आपको रोकती हूँ सत्यनारायण आपको रोकूंगी। हमारे साथ जुड़े हैं रघुनाथ सिंह मालवीय बीजेपी विधायक, उनसे बात करते हैं। रघुनाथ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। धन्यवाद। रघुनाथ जी सीहोर जिले के आष्टा तहसील के गुराड़िया कला गाँव की हम बात कर रहे हैं जहाँ का प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय जर्जर हालत में आ चुका है। इस भवन को बने हुए 10 से 15 साल हो चुके हैं और आज ये जर्जर स्थिति में आ चुका है, क्या कहेंगे सर, कैसे मध्य प्रदेश बढ़ेगा और शिक्षा सुधरेगी? मतलब जर्जर हालत में है स्कूल भवन।
ये मामला कभी आपके संज्ञान में आया था? आपको पता है नहीं, हमें किसी ने बताया ही नहीं, आज तक ने बताया किसी ने ना, कोई इसकी हमारे कोई ना तो कोई टीचर ने बताया ना गांव वालों ने बताया। रहा सवाल ये है कि ज्यादा जर्जर हालत में है तो अभी उसको देख के और उसको बरमाइए। आपने कभी इस गांव का रुख किया था? कभी आप यहाँ पर गए थे दौरा करने गुराड़िया कला गांव में? गुराड़िया कला कई बार गया हूँ, एक गाँव नहीं, जाता आता रहता हूँ, लेकिन कभी भी। लेकिन आपकी कभी नजर विद्यालय पे नहीं पड़ी? जाते हैं विद्यालय में, अब हम विद्यालय में नहीं गए हूँ, मैं गाँव में जाता हूँ। आप जाते हैं विद्यालय में, लेकिन आपने स्थिति नहीं देखी कि भवन की हालत कैसी थी? भवन का छज्जा गिर चुका है, एक बच्चे के ऊपर खिड़की भी टूट कर गिरी थी, ये पता है आपको? तो आप सरकार को भेजो ना अब ये चीजें। विधायक आप हैं? हाँ विधायक तो हूँ मैं जी। हमने तो सब प्रस्ताव बना के भेजे। तो क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? विधायक आप हैं, 15 साल तक आपकी सरकार थी, क्या तब भी आपका ध्यान इस तरफ नहीं गया था? मैं तो 15 साल मैं विधायक छोड़ था उस समय, 10 साल तक। सर विधायक आप तब नहीं थे, विधायक आप आज हैं। आज माना आपकी सरकार नहीं है, लेकिन क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी है हमारी पूरी, जिम्मेदारी और पूरे तहसील की जिम्मेदारी मैं तो मानता हूँ। और जहाँ 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 रोड खराब है, जहाँ स्कूल, ये मेरे संज्ञान में नहीं आया, नहीं तो मैं इसका प्लान बना के पहले गवर्नमेंट को भेज देता मैं। तो अब आपके संज्ञान में ये मामला आया, लेकिन 15 साल पहले जब आपकी सरकार थी, माना आप विधायक नहीं थे, तो क्या तब भी आपने कभी इन चीजों को नहीं देखा था कि भवन की स्थितियां क्या है, वहाँ पर मासूम बच्चे पढ़ते हैं, जो आगे चलकर मध्य प्रदेश का, सर सुनिए, जो आगे चल के मध्य प्रदेश का भविष्य होंगे, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर यहाँ पर कोई बड़ा हादसा होता तो कौन जिम्मेदार होता? आज आप विधायक हैं, भवन जर्जर हालत में आ चुका है, बच्चों को शिफ्ट करके आंगनबाड़ी में रखा जाता है, वहाँ पर 3 दिन तक शिक्षक नहीं आते, ये बात भी आपके संज्ञान में नहीं होगी? चलो अब आपने बताया है तो मैं जाकर खुद देखूंगा और क्या स्थिति है उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। तो स्कूल भवन बनाएंगे, अगर सरकार नहीं करती तो हमारी हम कोटे से बनाएंगे, पर स्कूल भवन बनाएंगे, है ना? सरकार अगर कभी नहीं बनाएगी तो हम बनाएंगे उसको। भवन जब इतने पुराने हो जाते हैं तो उनके रेनोवेशन की जिम्मेदारी भी होती है, जिम्मेदारी ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा, जिम्मेदारी तो अधिकारियों की भी रहती है, हमारी भी जिम्मेदारी है। और विडम्बना यही है रघुनाथ, मैडम हम जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मेरी पूरी जिम्मेदारी रहती है, इसमें भी कोई सकरीन कोई दोरा ही नहीं। और हम तो वैसे काम करने में पीछे पीछे होते नहीं है, और अभी बहुत सारे रोडों की हालत खराब है, हम उसको भी बार बार अधिकारियों को बता रहे हैं। रहा स्कूल का सवाल, मेरे गांव में आप देख लेना, जब मैं 2003-2008 तक विधायक था तो मेरे यहाँ का स्कूल भवन देख लेना, हाई सेकेंडरी का, मेरा भी वहाँ भी जर्जर था, हाई सेकेंडरी स्कूल कहीं मुझे मिली नहीं। मैंने 3-4 विभागों से प्राथमिक करके ने उसको बनाया है, रोड पे ही मेरा गाँव कोटरी करके गाँव है। ऐसा नहीं है, हम बच्चों का तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस एक साल में, एक साल का समय बीत चुका है, आपको विधायक बनने। अरे मैडम मेरी बात सुन लो, आपकी नजर यहाँ नहीं गई? अरे मेरी बात सुनो, एक साल बीत गया है पर सरकार की ओर से कोई एक काम नहीं चल रहा है, एक काम नहीं मिल रहा है। इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी तब भी तो स्थिति यही थी भवन की। हाँ चल, वो हम उसको हमारी गलती स्वीकार करते हैं, पर लेकिन मेरे संज्ञान उस समय नहीं आया था, लेकिन सरकार हमारी थी, हमारी सर। मैं मैडम, मैंने 400 भवन बनाए हैं मेरे कार्यकाल में, उस पर 2003-2004 तक नया भवन बनवाएंगे। चलिए, आपने 400 भवन बनवाए हैं और आप विधायक हैं, आप मान रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, तो क्या अब इस गांव को यहां पर एक नया भवन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा, पक्का मिलेगा। और शिक्षकों के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं? मैडम देखो, शिक्षक उपस्थित नहीं है, शिक्षकों नहीं, आप बिल्कुल कार्रवाई करवा, मतलब आप तो कार्रवाई, आप बिल्कुल इनकी शिकायत करिए, आप पेपर में दीजिए, न्यूज में दीजिए, और इन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए अगर वहाँ शिक्षक नहीं है। इसीलिए तो आपसे संपर्क किया, इसीलिए तो ये मामला आपके संज्ञान में डाला कि यहाँ पर शिक्षक भी नहीं है और भवन भी नहीं है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप क्या अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? आपको चुना है? नहीं, मैं अगर वहाँ शिक्षक नहीं है तो मैं आज ही अधिकारियों से, कलेक्टर से बात करूंगा कि ऐसी अव्यवस्था नहीं होना चाहिए और ये शिक्षक अपने टाइम पे पहुंचना चाहिए, अपने टाइम तक रहना चाहिए। चलिए, उम्मीद करेंगे कि जैसे आपने अपने गांव में स्कूल बनवाए हैं,
वहाँ पर शिक्षा की अलग जगह है, ठीक उसी तरह से यहाँ के बच्चों के। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, निश्चिंत रहिए, मैंने पूरे क्षेत्र में और मैं स्कूल में वो दुर्भाग्य बोल रहा हूँ कि कहीं नहीं जा पाया हूँ, नहीं तो मैं स्कूल में जब भी जिस गांव में जाता हूँ तो स्कूल होम में स्कूल में जरूर जाता हूँ, मास्टरों को चेक करता हूँ, छात्रवास चेक करता हूँ। और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कम से कम आपने स्कूल चेक किया, और आप तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप तो छात्रवास भी जाके चेक करें। बिल्कुल हम वो भी करेंगे, हम हमारी नैतिक जिम्मेदारी जरूर पूरी करेंगे, वहाँ भी कुछ कमी होगी तो हम वो मामला भी आपके संज्ञान में जरूर लाएंगे। आप मेरी बात सुनो, आस्था एक छात्रवास है, तो छात्रवास है दोनों जी, एक आदिवासी छात्र एक बच्चों का छात्रवास है, बच्चियों का छात्रवास आस्था में। मैंने सबको चेक करा मैंने, लेकिन हमने बार बार कलेक्टर साहब को चिट्ठी उठी लिखी, पर उसके बाद में आज तक वो हमने भवन किराए देने का भी बात की, लेकिन आज तक वो भवन भी नहीं मिला, वहाँ बच्चे जैसे ढोल जैसे रुकते हैं, ऐसे बदबू आती है वहाँ, ऐसी हालतें हैं सब जगह पर। अब थोड़ी मजबूरी हमारी, हम अधिकारियों से लड़ सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए रघुनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करेंगे कि आप इस गांव में नया भवन जरूर बनाएं। आपका गुराड़िया वर्मा की बात कर रहे हैं गुराड़िया, कौन सा गुराड़िया बता रहे हैं? गुराड़िया कला गाँव, गुराड़िया कला जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे विधायक रघुनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और सत्यनारायण आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर को दिखाने के लिए। उम्मीद करेंगे कि न्यूज वर्ल्ड ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी यहां पर पूरी की, और इसके बाद में अब जो जिम्मेदार अधिकारी हों या फिर विधायक हों, वो अपनी जिम्मेदारी यहां पर जरूर पूरी करें, और इन बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह का अन्याय ना हो, यही हम कामना करते हैं, यही हम कोशिश करते हैं। तो हला बोल में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।